पत्रकार है ना भाई, कौन सा को पहले मोदी सरकार भाई मारा ऊपर तो पटपट कर गया कुंवर अरुण नवी खातरा मिलती। और मैं भारतीय समय में मौजूद हूँ, बादली विधानसभा के क्षेत्र का गांव है माथरोली, जो कि पूरे हरियाणा में किल्लत चली हुई है डीएपी की, उसी को लेकर आज माथरोली में भी काफ़ी जन समर्थन और काफ़ी जनता इकट्ठी हुई है। काफ़ी बता रहे हैं कि पहले लाइन थी, जाम भी लगा था, और जो यहां हुआ उसकी जानकारी लेंगे जी। बताइए किस तरह से क्या हुआ? 4 बजे के लाइन में लग रहे हैं, पुलिस वाला ने उठा उठा भगा दिए, पीछे आनी अंदर बढ़ जाए, कोई व्यवस्था नहीं, ना कर्मचारी 10 बजे आए। कितने आदमी थे? 50 आदमी लाइन में थे, और बाद में 12 आनी है, 8 से 9 आदमी और भी है जो जाम की लाया है, जाम की लाया अपने आदमियों को पहले बांट रहे कर्मचारी। यार महकमा कंट्रोल नहीं करेगा तो हमें उधर कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। बताओ क्यों बना जी खान क्या करेगा जी? यार 4 बजे की बैठी भाई रोटी बैठे बीजेपी और दुष्यंत को बहा के छोड़ेगी, इस बार एक भी वोट नहीं देंगे। हाँ इस पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं छाट दो, हाथ काटने से क्या होगा? पंडित छुप जाएगा, ताकत वाला कुछ भी कर सकता है, काटने दो। लेकिन हना बीजेपी की वोट बिल्कुल नहीं देगी इस बार। लेकिन बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे अगले 20 साल काम करते पीछे लाइन बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं जज्जर के बाद भी जहाँ से वितरण किया जा रहा था, घर चले यही समस्या है। सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा कि इस तरह से जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। पीछे आप देख सकते हैं प्रशासन भी मौजूद है, आप कैमरे मैन से एक बार देखा है कि पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल चुस्त
नजर आ रहा है, ये देखिए तरफ है, पीछे से कोई कार्रवाई नहीं है। और भी आगे कुछ अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ। इतना यार 4 बजे की बैठी भाई। सारा कुछ सुबह उरे बैठे रोटी कौन खाए से बीजेपी और दुष्यंत को बहा के छोड़ेगी। इस बार एक भी वोट नहीं देंगे आयुष पार्टी को, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। काट दो, हाथ काटने से क्या होगा, पंडा छुप जाएगा, ताकत वाला कुछ भी कर सकता है, काटने दो। लेकिन नाना बीजेपी की वोट बिल्कुल नहीं देंगे इस बार। लेकिन बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे अगले 20 साल के काम करते पीछे लाइन बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं। जजर के बाद जहाँ भी जो भी जहाँ से वितरण किया जा रहा है खाद हर जगह यही समस्या है। सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा कि इस तरह से जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। पीछे आप देख सकते हैं प्रशासन भी मौजूद है। कैमरामैन से एक बार दिखा है कि पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल चुस्त नजर आ रहा है। ये देखिए पीछे से कोई कार्रवाई नहीं है। और भी आगे कुछ अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ। इसके बाद में इको कंपनी से भी हमारी 600 कट्टे हैं, तो शॉर्टेज होने के कारण थोड़ा सा ये दिक्कत हुई। अभी जो बातचीत हुई है लाइव बोलने के लिए जो आए कट्टे जो सुबह 4 बजे से लाइव में उनको मिला नहीं, जो स्टाफ की जानकारी थे टोकन कट गया नहीं जी, किसी स्टाफ की जानकारी को नहीं दिया गया। ये सभी आदमी हैं हमारे पास और प्रत्येक आदमी को अभी भी लाइन लगवा कर हम दे सका दे दीजिए दो कट्टे। और खाद की कमी नहीं है जी, खाद और भी आएगा जी तो कंपनी से। कमी नहीं है तो फिर खाद तो ना अरे एक कट्टा दियो नहीं है, बोलो खाद की कमी नहीं है, यह तो झूठी है, ये बोलने लाग रहे हैं मीडिया वाला। खाद की कमी नहीं है, खाद की कमी कहां तोड़ रहे हो। प्रशासन मौजूद था जी लाइन की, हमने लगवाई थी लेकिन अफरा तफरी मचने के कारण लाइन नहीं लग सकी। दस बजे बैंक वो खुलता है, उसके बाद में नंबर आया है हाँ। सुबह हमने कह दिया जी सुबह तो कट्टी सबको दे देंगे लाइन में लगा कर। प्रशासन है प्रशासन है, खाद की कमी नहीं है, फिर पब्लिक क्यों खड़े चाहे किसी को मिला भी एक कट्टा आने लग रहे, कोई इनका लाइन बनवाने को मतलब नहीं है, आके यहाँ पे बैठ जाते हैं पुलिस वाले। उन्होंने 4 बजे आ जाना भाई, आज भी 4 बजे आए थे क्या, आज तो 11 है तुम 11 हमने एलपी पे दे देना तो बुजुर्ग हमारे एलपी पे देना देता उनके मुंह ऐसे मतलब वो किया जा रही है ठीक है क्या। आई था लाइन बनाने के बाद यहाँ पे बैठ जाते हैं, ये बोल रहे हैं खाद की कमी नहीं है, प्रशासन मौजूद है, वहाँ प्रशासन है बटो खाद को, ये 100 आदमी को खाद नहीं दे सकते। कल एक गाड़ी और आई थी सुबह हम, यानी कि ये गाड़ी है वो गाड़ी आने के बाद में
सुबह वितरित कर देंगे। कल दुगनी भीड़ हो जाएगी। कब आएगी इनको खाद वितरण? सुबह 4 बजे आज 4 बजे ना आए? 4 बजे फिर आएगा। टाइम कुछ एक बार आज जो लेडीज आएगी सुबह 4 बजे आती है। सुबह हमने कह दी 6 बजे हम यहां 6 का नाम ले शहर का नाम ले दे 4 बजे तो ना ये खुद 6 बजे का नाम ले है। एक गाड़ी और आएगी तो उसका क्या देगा? गाड़ी आती है ना नहीं फिर कल कैसे बात दी है? अगर स्टॉक अंदर है प्रशासन यहाँ पे अधिकारी है तो कल का क्या बात है? और क्या हो जाएगा? आज भी 4 बजे मैं लगे नहीं जी लहरी बुलाई जाएगी सुबह एक गाड़ी और आएगी जी। हाँ नहीं तो कंपनी से कर दी सुबह ही तो कंपनी से कर दी जो मौजूद है इनकी लाइन अगर अच्छी तरह से लगे या टोकन मिले तो नहीं सकता आज बिल्कुल नहीं आज सुबह दे दें जी एक गाड़ी और आएगी कल आज भी सुबह 4 बजे कल भी 4 बजे 4 बजे क्या है हम ले देंगे शाम को सुबह और आओ कल दुगनी भीड़ बन जाएगी हमारे आपने महकमा के आदमी है जी उन्हें बुलाऊंगा जी हाँ बड़े अधिकारी को भी बुलाऊंगा जी क्योंकि हमारे मान लो वो एआर है जिस तरह डीएम है स्टाफ की कमी नहीं है लेकिन अधिकारी तो आना चाहिए जी थोड़ा बहुत क्योंकि मान लो ये थोड़ा परेशानियां क्या आपको बांटनी है ये बताएं आपका खाता अंदर रखा है लेने वाले परेशानी कहां परेशानी नू थी जी धक्का मुक्की ज्यादा प्रशासन है प्रशासन है आपकी पब्लिक जा लीजिए रोज रोज किसान कितना होगा नहीं होगा बात देखे ज्यादा आदमी वापस चले गए जो 4 बजे आके लाइन में लगे थे वापस जा लिए ये 8-9 बजे आने वाले अब इनको खाद ले मिल जाएगी जिस तरह से टोकन बांटे जाएंगे उसी तरह का मामला है टोकन किस हिसाब से बांटे जाएंगे अब तक समाधान नहीं है भीड़ है कल और भी बढ़ने वाली है आज भी अनकंट्रोल थी अगर ये देखना होगा कि कल यहाँ अगर 2000 की तादाद में किसान पहुँचते तो डीएपी फिर किलो होगी इस हिसाब से जिस तरह की बात निकल के आई तो डीएपी यहाँ बट नहीं सकता इसके लिए कहीं ना कहीं समाधान निकालना होगा या तो टोकन आज बांटे जाए या इनको इस तरह से सीरियल बना जाए कि आधे आधे करके बुलाया जाए जो है हमने तो इनको अगर मिलेगा कल तो आएंगे जो करता की तो जोर दूनी भीड़ होगी ये चले जाए कल तो भीड़ कम होगी जो गए कल इतना कल ये फिर आएंगे ये घर जाके बताएंगे कल मिलेगा और डबल भीड़ होगी डबल होगा जो घर गए हैं कल ले जाएंगे लाइन में आप कैमरे के सामने बैठे जो है उनको दे दो फिर उनकी गाड़ी आपकी दूसरी गाड़ी आ जाएगी उसके साथ मतलब पुलिस क्या खातर हो गया करे इसको इनते कह दे प्रशासन से और लाइन लगवावे हां बुलाओ भाई इधर प्रशासन ले भाई या लाइन ले अगले लाइन में लगवा दिया ही महकमा ने फिर बात कर लिया भाई के रुकनी की नहीं थी
है भाई पहले के बढ़िया लाइन लग गया भाई सुन ले भाई देख देख भाई प्रशासन देख भाई ना आनो चीज नहीं आनो चीज पूरा है प्रशासन ने पूरा आनो चीज नहीं आनो चीज प्रशासन का मियां रानू पुलिस तो नहीं कर दी कुछ भी ना सब अपनी व्यवस्था हमें आप खड़े अगर जो पुलिस हो तो कभी व्यवस्था सुधर जाए लाइन देख लो कितनी सीधी लाइन लग रही है लाइन लाइन में कर्मचारी नहीं आते अंदर से नहीं आते नहीं बात भाई किसानों के लिए खाद है थारे लिए खाद है अगर आप सुविधा करोगे लाइन लगाओगे हम तुम्हारे साथ है बिल्कुल लाइन में कितनी लाइन लाइन में लग जाओ भाई करो मार दे गोली चला गया रुक जाओ और के कोई नहीं झगड़ा नहीं करे करते ना जी आप जाओ इत्तेदाम दे आप जाओ एक बार फिर सुसाइड करा नहीं गा ले देने सुसाइड करा लूं ले दे आप भी सब साहब की बात तो सुन ले आराम की बोल की बात कर लेने एक बार साहब ने आपसे पहले हो आप भी हो ठीक है ना ईव हमने पब्लिक की कुछ भी बोले आपके खड़े ईव हमने कल सुबह ही लोग भाई सुबह 4 बजे बैठे आप आ जाइयो जितने गड्डी हो रहे आपके बात आपने कह दी 400 घंटे हाँ जी या तो आप एक पर बांटो उसका नंबर लगाओ आपने एक नंबर है कूपन जितने भी आदमी है उन सबने दे दो उनकी लिस्ट बना दो जिसका कूपन आता जा रूखा लेता जा चार बजे तो ये अंदर से बाहर पड़ता ही कोई होगी अंदर से बाहर होगी तो ये आप
और ये सब खड़े हैं मुजफ्फरपुरी जब खेड़ा मोड़ खाता ऊपर बैठ गए ना कुछ भी ना मशीन में पोस्ट मशीन में बिठा भी चुके हैं रेसिपी लेने एक आदमी तो आपका देगा भाई मार दिया गवर्नमेंट ने वाह भाई वाह तू बैठ अच्छे है भैया थोड़ा बहुत संतुष्ट है आपकी वजह से प्रशासन थोड़ा बहुत सही किया है वरना खाते कमी नहीं थी जानबूझ के ऐसे करते थे पब्लिक को परेशान करके सुबह 4 बजे से आए थे कितना सामान जुड़ा हाँ बहुत ज़्यादा सर है आपके आने के बाद ये सब कुछ हुआ है और इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया इनसे धन्यवाद आप आए बाजार से आप ना होते तो शायद खाद नहीं मिलता कोई भी खबर होगी हम आपको पहुँचाते रहें जब तक बने रहे आप देखते रहे नंबर है अब उम्मीद है मिल जाएगी हो जाएगी ना हमारी ध्यान ही आप पाक है ये ठीक है।
जी जो सुबह हालात थे, जो मारामारी हो रही थी, जो माताएं बहनें थी बुजुर्ग जो इतने परेशान थे, प्रशासन होते हुए भी इतना जो माहौल यहाँ पे बिगाड़ा गया, अधिकारी थे जो इतने आने काने कर रहे थे, जो मीडिया के आने के बाद इतना सब कुछ हुआ है, जो इतनी अच्छी लाइनें बनी है, टोकन दिए हैं, अच्छे से ना काम चल रहे हैं, मीडिया वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद आपके आने के बाद धन्यवाद। हाथ भी नहीं मिल रहे तब ना आया देखे खाते भाई से नहीं ना तो जुबाब दे दिया था कल बाटे कल मैं तो कल हो जाए तेरे आम चीज नहीं हुआ कल बाटा है कल तो आवा ही नहीं राजो को यहाँ का बताओ कल तो आवा ही नहीं क्यों नहीं भीड़ हुए अब उम्मीद है मिल जाएगा हाई भी मिल जाएगा पर्ची दे दी है 200 जी ठीक तो खाद लेके जाएंगे जी नहीं जाएंगे एक भी ना लाग जी पता हल्ला नहीं गा जमींदार कोई भी जी आवाज़ है तुम पर बढ़ा है।